नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि अगर आपका चैनल सस्पेंड हो गया है, 3 स्ट्राइक आपके चैनल पर आ गई है, तो आप अपने चैनल को किस तरीके से बचा सकते हैं, आपका चैनल किस तरीके से रिकवर हो जाए टर्मिनेट होने से। उसके पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि स्ट्राइक क्यों आती है, कैसे आती है और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ ऐसी एक घटना घट चुकी है। मैं आपको पहले लाइव रिकॉर्डिंग दिखाने वाला हूँ प्रूफ के साथ कि आप ये गलती ना करना अगर आपका चैनल अभी तक सेफ है, आपके चैनल पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आई है तो। और अगर आप ये गलती कर रहे हैं और अभी तक आपके चैनल पर स्ट्राइक नहीं आई है तो आगे से ये गलती ना करें क्योंकि दिक्कत ना हो आपके चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत भरपूर नॉलेज मिलने वाली है। चलिए मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है और मैं यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको मैं दिखाऊँ, एक लड़के का मैसेज आया, इसने लिखा, हाय सर, मेरा चैनल टर्मिनेट हो गया है 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आने के कारण, प्लीज हेल्प मी। वीडियो कॉल भी किया मैंने इनसे, पूछा क्या अपलोड आपने किया था। इन्होंने कहा, सर क्रिकेट वीडियो, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला वीडियो, सर प्लीज हेल्प मी, आप मेरा ईमेल आईडी ले लीजिए, वापस ला दीजिए सर, मैं बहुत गरीब हूं। मैंने इनसे बोला उम्मीद बहुत कम है, किसने स्ट्राइक दी है। फिर इन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा, इन्होंने जो स्क्रीनशॉट भेजा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो स्ट्राइक देने वाला है SLC@copyrightgreti.com करके है, टेक डाउन श्रीलंका क्रिकेट ने। माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको यहां पर अवेयर करना चाहूंगा कि क्रिकेट की आप कोई भी वीडियो जब भी अपने चैनल पर अपलोड करें तो बहुत सोच समझ कर अपलोड करें, बहुत ध्यान से अपलोड करें, नहीं तो आपके चैनल पर कभी भी स्ट्राइक आ सकती है और आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है। जब चैनल टर्मिनेट हो जाता है तो चाहे जितनी मेहनत करो सब कुछ बेकार, सब धरी की धरी रह जाती हैं, इसलिए आपको अवेयर रहना है। अगर आपको लगता है कि ये स्ट्राइक गलत है और ये गलत तरीके से मेरे पास भेजी गई है, मैं इस पर एक अपील करना चाहूँगा, तो आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके चैनल पर ऐसा कुछ आ गया है तो आपको एक काम करना है, गूगल खोलना है, अपने गूगल क्रोम खोलना है, वहां पर लिखना है हाउ टू अपील फॉर टर्मिनेट यूट्यूब चैनल। अगर टर्मिनेट हुआ है तो, अगर हैक हुआ है तब भी ये लिख सकते हो। कुछ भी अगर आपके चैनल पर अनएक्टिविटी हुई है जिसके कारण आपके चैनल पर दिक्कत आ रही है तो आप यहां पर ये काम कर सकते हो जो मैं बता रहा हूं। आपको गूगल पर लिखना है हाउ टू अपील फॉर टर्मिनेट यूट्यूब चैनल। जैसे ही आप ये लिखोगे, नीचे आपके सामने यहां पर एक ऑप्शन आएगा लिखा होकर चैनल और अकाउंट टर्मिनेटेड यूट्यूब हेल्प, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो यहां पर ये बता रहा है कि आप अगर अपने चैनल पर बिहेवियर, गलत बिहेवियर, स्पैमिंग या फिर फेक काम करते हैं तो आपका चैनल वापस नहीं आएगा। अगर आप सही तरीके से काम करते हैं और आपको लगता है मिस्टेक हुई है यूट्यूब से तो आपका चैनल वापस आ जाएगा। वापस आने के लिए करना क्या होगा, यहां पर आपको दिस फॉर्म पर क्लिक करना होगा, लेकिन दिस फॉर्म पर क्लिक करने से पहले आपको चैनल आईडी पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप चैनल आईडी पर क्लिक करेंगे यहां पर ये बता देगा कि चैनल आईडी मिलता कैसे है। आपको अपने यूट्यूब स्टूडियो में जाना है, वहां पर प्रोफाइल पर क्लिक करके सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद एडवांस सेटिंग में जाना है और वहां पर आपको यूजर आईडी दिख जाएगी आपके चैनल का, पूरी डिटेल यहां पर इसने बता दिया है। अगर ये प्रॉब्लम, अगर इस टाइप से आप ना समझ पाए तो ऊपर लिखा है एडवांस अकाउंट सेटिंग, इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका यहां पर जो आपके चैनल का आईडी होगा, यूजर आईडी, वो शो कर देगा यूट्यूब, यहां पर आपको दिखा देगा। अभी आपके सामने यहां पर मैं दिखा रहा हूं, जो ये आईडी अभी आ जाएगी यूट्यूब की, ये देख सकते हैं यूजर आईडी मेरी आ गई है और चैनल आईडी, दोनों मेरी आईडी यहां पर दिख रही है। तो आप भी ऐसे ही करें, मैंने जो बताया है आपको, यहां पर आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहां पर लिखा है एडवांस अकाउंट सेटिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका यूजर आईडी और चैनल आईडी दोनों मिल जाएगा। उसके बाद अब आपको यहां पर क्लिक करना है, बैक करना है, एक बार बैक ऐसे कर देना है। बैक करने के बाद यहां पर आएगा दिस फॉर्म का ऑप्शन, दिस फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पर अपना नाम लिखना है, पूरा नाम जो भी आपका है। उसके बाद आपको जीमेल आईडी डालनी है, आपको यहां पर जीमेल आईडी वो डालनी है, ईमेल एड्रेस यूज टू साइन योर यूट्यूब चैनल, ये कह रहा है कि जिस ईमेल आईडी से आपका यूट्यूब चैनल था वो ईमेल आईडी आपको यहां पर डालनी है, तो आप डाल देना। उसके बाद नीचे एक जीमेल आईडी और मांग रहा है, यहां पर जीमेल आईडी ये मांग रहा है कि आप किस जीमेल आईडी पर मुझसे बात करना चाहेंगे, वहां पर दूसरी जीमेल आईडी डालना जिस पर आप जीमेल आईडी एक्टिव हो, जो आपके पास, जिस पर आप यूट्यूब टीम से बात कर पाए जब वो आपको कोई मैसेज करे, राइट। ये करने के बाद यहां पर आपको अपने URL को डालना है, अपने चैनल का URL, आपने कहीं शेयर कर रखा होगा, कहीं पर डाल रखा होगा, तो उस URL को डालना होगा अपने चैनल को रिकवर कराने के लिए। यहां पर
चैनल का URL क्या होता है मैं आपको बता दूं, चैनल का URL होता है यूट्यूब पर जाओ, ऐसे यूट्यूब पर जाने के बाद यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करो, प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करने के बाद आप अपने यूट्यूब चैनल पर आ जाओ, यूट्यूब चैनल पर आने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर क्लिक करना है, शेयर पर क्लिक कर देना है और कॉपी लिंक पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप कॉपी लिंक पर क्लिक करोगे आपके चैनल का URL मिल जाएगा आपको, और यहाँ पर लाकर ऐसे पेस्ट कर देना है, ऐसे पेस्ट कर देना आपके चैनल का URL ये हो गया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, चैनल का URL आपको पता चल गया। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रॉपर डिटेल में जानकारी लिखना है। जानकारी कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ, आपको जानकारी लिखने में आसानी होगी, समझा देता हूँ। यहाँ पर आप आना गूगल पर, गूगल पर आने के बाद एक नया टैब ओपन कर लेना, यहाँ पर लिखना ट्रांसलेट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको गूगल ट्रांसलेट ओपन कर लेना है। गूगल ट्रांसलेट जब आप ओपन करते हैं यहाँ पर आपको जिस भी लैंग्वेज में अच्छी लगती हो, जिस लैंग्वेज में आप समझते हो, उस लैंग्वेज में आपको यहाँ पर अपने बारे में, अपने चैनल के बारे में सारी डिटेल लिखनी है, क्या कब कैसे कैसे करते हैं पूरा अच्छे से यहाँ पर लिख देना। उसके बाद इंग्लिश में लिख जाएगा, जैसे कि कुछ भी मैं लिख रहा हूँ उसको अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा यहाँ पर इंग्लिश आ जाएगा। नीचे इस पर कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद मैं बैक करके वहीं पर चला जाऊंगा जहां पर अभी था मेरा चैनल था, तो मैं यहां पर YouTube स्टूडियो गूगल क्रोम पे आ जाता हूं। गूगल क्रोम पे आने के बाद इस तरीके से यहां पर आ जाता हूं, और यहां पर आने के बाद मेरे प्यारे दोस्त यहां पर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। ये एक प्रोसेस है आपको अपने चैनल को रिकवर कराने के लिए, जो कि मैंने आपको बताया है, एकदम आसान तरीके से बता दिया अपने मोबाइल से किस तरीके से आप रिकवर कर सकते हैं, अगर आपने गलती नहीं की होगी तो। अगर आपने गलती की होगी तो रिकवर करने में आसानी नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि रिकवर उन्हीं का चैनल होता है जिन्होंने गलती नहीं की होती है, बाई चांस यूट्यूब के गलती की वजह से चैनल पर दिक्कत आती है। जैसा कि इन्होंने अभी जो मैंने आपको एक रेफरेंस दिखाया था क्रिकेट वाला, इनका चैनल बहुत कम उम्मीद है कि रिकवर हो जाए, लेकिन मैंने इनके बिहाफ पे आप लोगों को अवेयर करने के लिए ये वीडियो बनाया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हम और लेटेस्ट आपके लिए वीडियो बनाते रहें। मिलता हूं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।